देखो भैया पीयूष सिंधी और भीम सिंह भाटी की प्रेम कहानी। कौन कौन है? पीयूष सिंधी और भीम सिंह भाटी। अब पीयूष सिंधी की बेटी है, यह बेटी है बलूच सरदार और कांगड़ो खड़ा हुआ है सिंध, वर्तमान में खड़ा है सिंध पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान है नहीं, बैठा हुआ बलूच सरदार कांगड़ो। लेकिन बेटी का नाम क्या है? पीयूष सिंधी। क्या नाम है? पीयूष सिंधी। ओ भीम सिंह भाटिया को जो खड़ा हुआ है पाटन में, खड़ा हुआ है पाटन में। यह लव स्टोरी है पीयूष सिंधी और भीम सिंह भाटी। ओ बलूच सरदार ओ मरना और ऊपर जाना सो रहे हो, लगभग 60-65 साल को मरना सो रहे, एकदम घायल हो बेटो। कोई शिकारपुर हो, शिकारपुर का घोड़ा प्रसिद्ध है, घटेगा भाई शिकारपुर के प्रसिद्ध हटेगा घोड़ा प्रसिद्ध। ओ मरना सो रहे हो, ऐसे एक छोरी छोरी जगह वो नाम क्यों पीयूष सिंधी। अब छोरी आगे करने ऊपर यमराज ले जाना, छोरे आगे बोली कि बाबा इतनी टेंशन में किया, क्या दिक्कत है बताओ, एक सांस अटक रहा हमारे को नहीं। तो आप पूछ सके बात है, बात है जी बताओ, थर मन में क्या रह रही है? कि मेरे मन में ये रह रही है कि एक बार क्या हुआ कहो बलूच सरदार कांगड़ो अटा शिकारपुर का क्या प्रसिद्ध है, घोड़ा प्रसिद्ध है, वहाँ घोड़ा लूटन गयो लेकिन खाली हाथ दोटिया पड़ो एंगेला भर जाए नहीं तो घोड़ा हाथ आया इन बेजती हुई आए ना शर्म रह रही कहीं क्या हो रही है बेजती हो रही कहार होगी मैं घोड़ों को न्यास करूँ मैं घोड़ा लेने गए खड़ो शिकारपुर घोड़ा लेने गए शिकारपुर का घोड़ा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है बैंड लेन कौन गए और बलूच सरदार कांगड़ो लेन गए। आ बात रह रही है मन में आ छोरी आगे जाके पूछा कि बाबा क्या बात हुई तो बताओ सारी बात यहाँ का जे मेरा छोरो हुआ है ठीक है तो क्या करे वो मेरी मन की पूरी करे मेरी हार हो डीब बदलो लिया कौन जो छोर हो गए तो मेरे आ बात सुनता है पीयूष सिंधी के लागे भाई मन में ही आवा देख तन तो की समझ ही कुंद्र बाबू ए उम्र ही बैठे 14-15 साल कितनी साल की 14-15 साल की आ बात कह रहे जी साहब तन तो की मन नहीं कौन लागे आ बात कही है छोर हो गया तो मेरी हार वो बदलो दे आ टाइम बाप के बाप ने कह दिया वचन दे ठीक है कि मैं हरा गया हूँ मन है मैं बटों के लिए घोड़ा जीत के लाऊंगी ठीक है ऐ बात को वचन दे और कह लियो आप हाथ आगे बढ़ाओ ठीक है हाथ दो जो कांगड़ो के दे आपने थोड़े हाथ दे मीठो मीठो मुड़ के ये थोड़ी तो की चीज है वचन दियो है कहना रहा हूँ शिकारपुर अरे घोड़ा जीत के लाऊंगी ठीक है आप बात कही थी कहता ही खुश हो जाए कौन कांगड़ो हो जाए भाई ऊपर चले जाए ठीक है यही बात का तरफ सटक रहा है कोई आवा तो मन यहाँ बैठो हुआ तो मेरे बता कि मैं जीत के लाऊंगा हर मेरे बाद में हर यार को बदलो कौन लिया मैं लिया अच्छा ये क्या मैं लिया इन्हें वो भीम सिंह भाटी खटा हुआ भाई पाटन आ तो है 14-15 साल की सॉरी तो ऐ लेके आवा बेटे तीर चला लो कोई आवे ऐ वो बाप है नहीं हो चुको वो 500 मीटर ताई किया बाला फेंक तो तीर चला तो 500 मीटर ताई तीर की कितनी दूरी 500 मीटर ताई चला तो ठीक है 500 मीटर दूर हुई आदमी ने मार दे तो कनाड़ को दे तो वो बैठे बलूचिस्तान में बलूच में सारू ज्यादा बढ़िया तीरंदाज हो कौन कांगड़ो आ दिन रात है तीर कमान धनुष लेके प्रैक्टिस करने लगी ठीक है सरदार में रहती सैनिका में रहती और अपने आपने क्या कहती मैं बलूच सरदार कांगड़ो क्यों भाई बेटी को नहीं बेटो क्यों बेटो बहरे थी आप और बाप का ही पहन लेती कपड़ा पहन लेती भाई तलवार कटार सारी चीजें राख थी और क्या बढ़ गई रहती कांगड़ो को बेटो बढ़ गई रहती है दिमाग में एक ही बात जो कि आपका बाप का सारा टिक रेडो जो को वचन दे दो पूरा करो शिकार पूरा के लेना है भी घोड़ा जीत के रहना है ऐ बात को वचन दियो आपके बाप ने यही बात ने पूरी कर सोवे तो वे नहीं चाहे की चीज दिखे यही चीज का सपना हुआ के जीत के लेना भी घोड़ा जीत के रहना है शिकार तो दिन रात प्रैक्टिस करती है सारे दिन तीर चलाना तो एना तीर
500 जितनी एगो बाप जना तो 500 तक देना 600 700 कितनी दूर तक मार करने लग गया 1000 तक मार करने लग गया। और आज जवान होती गई तो बे पगड़ी बा तलवार कटार रखने लग गई तो सारा देखता दिया छोरिया कोई बेनती कर रहे हो ठीक है छोरो छोरिया तकड़ी जवान हो गई और आपके बाप का कपड़े पहले रख दी ये मेरे कौन पड़ते कोई छोरी देखती तो ये हम ईशो आदमी मिले तो है ठीक है ईशो मेरा पति होना चाहिए ठीक है कोई छोरा देखता अपने मेरे को देखते हो सोचो मैं शरीर देखते हो आपस की कोई नहीं है ये मन में कोई जाए कोई तकड़ो आ जाए कि देखो आप देखा कोई बुढ़ी हो सुन सुन जिम जान गेड़ हो देखा आपस की कोई हो नहीं बैठ टाइप में कोई देखते हो तो वो तो ही मतलब सारा जीव तो इसी क्या काम लो के बात है मेरे तेल तेल आई देख तो देख तेरी नजर तेरे पूरी तरह ट्रेंड हो गया क्या चीज में धनुष राण में प्रवट हो गई। तो आ एक दिन क्या करे भाई एक दिन में एकदम पूरी तरह ट्रेनिंग ले लिए सारी चीज सीख लिए एक बार तलाश में घर जाने शिकार को जान लगे तो राम क्या करे होने के इरणियों मारे पानी पीने लग गई इरणियों पड़े खून ही खून हो रहे बैठे इरणियों मार गया आप पानी पीने लग गई तालाब में करने पड़े तेरी कौन का डेढ़ ऊपर उन टिब्बा डरता एक सैनिक देखे ऊपर कोई आ तो एक ली एन तो तलवार है इरणियों मरे पड़े करने ऊपर कोई और ये आदमी आ गए इल्लो मारे के पानी घड़ी है तालाब भरे पड़े है आ जाओ ठीक है ये अपन सोचो आगे कौन है जब बुला लिए हो कौन भाई बात 300 सैनिक आने सके वो भीम सिंह भाटी हो कौन हो भीम सिंह भाटी हो मैं वो एक सैनिक हो या पानी पीन भाई क्या करना मुझे मैं तालाब में तालाब का करने पड़ा बा पी उसी से ठीक है अपने आप में क्या कहती मैं बेटों के हूँ कांगड़ हो आप पी उसी दी कितने हिरणियों पड़े हो देखे वो पहले तो अपने सैनिक हो मैं शरीर कान देखो एवं कान देखे हम पूर्ण चाहते हैं भूरे में वास्तव में किए ठीक है वो तो सही है तो मैं गौर उन देखियो जब कंधे का लागियो मैं जब प्रति मरे बैठी थोड़ी सी चादर सी का दरी पर बैठी मन चटाई सी का बैंक कानी कर दी बैठ जा बावड़ा ठीक है आ बात कहीं से पूछने लागियो का वही रहे वो बैठे बैठे और क्या बतला है वो कन्ने बैठते हो रहे ठाडो मरे थे आ बात कही के वो ठाडो मरे तो बतायो भाई के अड़को के मर कण मरे का अपन मरे यहाँ फिर मैं इतना मैंने सवाल क्या जे बैठे सैनिक आ जाए क्या जे सैनिक आ जाए सार बैठा के बैठ जाए फिर वो भीम सिंह भाटी आ जाए भीम सिंह भाटी बोले थे कुल मैं तो बलूच सरदार कांगड़ो को बेटो किन जाने की सोचू मैं शिकारपुर जाने की सोचू भटों के लड़ा है मैंने भाई घोड़ा था सुनेड़ा ही होगा आप भीम सिंह भट्टी ने कहे घोड़ा तो खरा सुनेड़ा ही होगा शिकारपुर का प्रसिद्ध है बांगला चक और मैंने बस 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 वो ही काम भेज रहा हूँ ठीक है घोड़ा खातर ही कुणा है भी हो भीम सिंह भट्टी है वह घोड़ा लुटने खातर ही क्या ठीक है होगी लेना चला घोड़ा दोनों मिल गए सागे सागे चाल पड़िया पहले तो रेकी लगाई मैंने घोड़ा कड़ा है खटा कि अभी घोड़ा तो चलने गिर रहे कौन सी जगह है सारी इन्फॉर्मेशन काट दी घोड़ा की कौन सी जगह है क्या सिस्टम है तो अटैक कर दिया पूरा घोड़ा ऊपर घोड़ा चला बाहू ऊपर घेर ले बन 300 तो ऐ हो गया एक आओगी पूरे आगे थे घोड़ा लेके चलो आगे निकलो मैं शिकारपुर का जगह आदमी है नहीं सेना ही नहीं मन है के पाउंडो ही कुर्बान दो ठीक है इनने को नियास का आपने कहीं ध्यान हो रहा है तो रोवा घोड़ा भीम सिंह भट्टी ने कह क्या बात है तो मैं तो घोड़ा लेके चला थे आंध्रों को कह एक पाउंडो कुर पड़न दो आगे ही कुर्बान दो क्योंकि तीर चला रहा हूँ बहुत माई भी तो तीर मारा है वो 1000 मीटर बाकी मैं याद की थी शिकारपुर आ रहे कोई 300 मीटर तक आना तीर क्या वही 400 मीटर तक जा रहे कोई जोर मारा तो 450 होते हैं
निकल जाए तो घोड़ा लेके रोक ले आगे को आते पिछो ना बैठ जाए पीयूषी भीम सिंह भाटी ने बनी सेना 300 सैनिक आ सेना आगे सारे बोले गए चलो घोड़ा आता था करो जब भीम सिंह भाटी रहा 300 सैनिक भीम सिंह भाटी रे कूद आधा आधा कहना गया तू तो एक मैं 300 आधा आधा रह गए आधा आधा कौन दिया आधा आधा तो कहीं हिसाब को नहीं हुआ बोले आगे बात थे 300 मिल गए तेरे को काम मैं इकली कर दियो मैं एक ना करियो बट तो छोरा भी बड़ा यार मैं एक ना करियो थे तो सारा मिल के करियो था तो घोड़ा लेके आया वो मैं इनका तो मैं करियो आधा आधा करो जा तीन पांच करी जिधर हो आऊ लड़का जा थी आ जाओ तो कहीं हिम्मत है ठीक है एक दो छोटे से कहीं पड़ जाओ आदमी जंटी के मारे तो जंटी का के पार हो जब मैं नहीं डर गया मारे मारे को तो ठीक है मारो तो सुहास को नहीं जो भीम सिंह बैठे बोलियो आधा आधा करना भाई तो ठीक है आधा आधा कर लियो तो मैं क्या तीर आधा था घोड़ा आधा था कर लिया घोड़ा आधा था कर लिया जैसे एक घोड़ो बंच को सालों तकड़ो घोड़ो नहीं को रह गयो और आगे पंती होगी क्यों हो एक घोड़ो बच गयो जब वो दूं जी करे वो मेल लिया ना ले हुआ किया क्या मैं लियो अन आगे बढ़ के क्या करो करना आपनी पांती कौन छोटा था अन जाके एक ही तलवार के एक ही झटके में मां घोड़े ने करे भी बीच में काट दियो आधो ले जाओ थे आधो मेरो एक ही कौन सा उसके कानी देखे थे 300 तुरमुर तुरमुर तो बोल कौन था तो ऐ तो बहुत तकड़ी योद्धा है यार बहुत दूर की भी थी आ तो मानस ही समझ रहा कि तो आदमी है तो छोरी यार तो कोई बेहूदी को नहीं हो बैठ टाइम पर दिखे ही नहीं आप अंति करके थोड़ी सी दूर चली ऐने के करना हो आगे सी जाके थोड़ी दूर जाके बार बोली ऐने था आधा घोड़ा मैं तो बात रहा खड़ी मैंने मैं दिया था ठीक ठीक है दिया ना मैं डरा के थोड़ी ले लो मैं तो आधी मैं मेरी पत्ती ले ली अरे ये ही रखो तो भीम सिंह भट्टी कहे कि तो जोर में वीर योद्धा के रुसाई करे थार का ना रुस विवाद आधा पहली कर लिया आपा वो तो मैं तो अड़िम काम आना रहा आदमी है ईशो के वीर मिलने को है तो वो तो चल पड़े पीयू सुन दो आगे जाके एक बावड़ी कई तरह ना हेड़ो पर तो अपगा असली वेश में आवे जाके बावड़ी में जाके कपड़ा कपड़ा उतार के नहाने लगे तो कपड़ा काटते तो छोरी बन गई इधर इधर तो आप बाप का पैर है फिर तो गेला कौन और भीम सिंह भाटी आगे जाके देखे तो देख तो रहे कि मुंह खुलो खुलो रहे हैं ये क्या हुआ ठीक और तो आदमी को नहीं आते भाई छोरी अरे वो रूप देख तो रहे हो ठीक है क्यों भाई क्यों भी सीधी सी बात है नाती देख ली नाती देख लिया तो मैं बेस बेर पट क्यों बन छोरी है छोरी क्या बहुत ही सुनी ठीक है वो भीम सिंह भाटी में देख तो ही रह गयो और मुख तो ही आ गया ठीक है आज तो यहाँ मनी मन मेरा अच्छी हो रही हो ठीक है आगे सारे पति पर मुझे पैड़ी पर मुझे एक कारी आगे खड़े हो गए आगे ना आगे ना आगे पूछे यार भीम सिंह भाटी जी सही बताओ थे बावड़ी का नहीं आया आगे बावड़ी का तो बावड़ी क्यों झूठ बोले आयो ठीक है आ ले तलवार आपकी तलवार दे देगा ने हैप्पी उस दिन मारता ही छोड़ ब्याह कराऊं तो तेर साल कर वो ठीक है जब आगे मैं तो बलूच अर्थे भीम सिंह भाटी राजपूत ठीक है तो बावड़ी जात पात तो कौन देखूंगी राजपूत तो क्या देखे करे वीरता देखे करे इसी वीर योद्धा के मिले ठीक है चलो तो जब चलो नाड़ काट दे चेपे से नाड़ काट दे ब्याह करवा दे आ बात कह दे कौन भीम सिंह भाटी ठीक है आई मुड़ के नीचे नीचे एनी हो पसंद आ रहे दिल में बगे कर लियो फूल खिल रहे बोले आ बोले के एकड़ कहां से बेहतर करवा लियो
मैं छोटी ही नहीं थी, मेरे बाप एक आंटो भील है, पुण भील है, आंटो भील। मैं सागर छोटी उम्र में ही गया, मेरो रिश्तों तय कर दियो, वचन दे दियो, ठीक है। अब वो अड़कास करो पैसा क्या है नवीन, वो तो आ गई बोलो वचन वचन माफी देख लियो, मैं ब्याह कराऊं तो भाई तेरे साथ कराऊंगा। कोई आ बात होगी जाके कर लियो भाई, ब्याह कर लियो, ठीक है। अरे मैं दो कई दिन बाद टाबर तो होना ही है, दो टाबर हो गया, एक को नाम है जखड़ो और एक को नाम है मुखड़ो। क्या नाम है? जखड़ो और मुखड़ो। एक छोरे को तो नाम किया जखड़ो और दूसरा नाम है मुखड़ो, ठीक है। जखड़ो और मुखड़ो कहना बेटा है पयू संधि और दीन सिंह पाटी का। सुत्या है एक दिन रात में, ओ आटो बिल की नहीं मारा गेड़ो, ओ भीम सिंह भाटी अम्बल खाया सुत्यो पहले तो बारह गेड़ो बाद में मेरे पट्टे का पीयूष संधि ब्याह कर लिया, तो टाबर ही हो गया, ठीक है। तेरे सकी बंटे भी तो नहीं दरीज तो आए आज तो सुत्या नहीं काटू आ बात सा सोच के खुना भी वो आटो भी लाओ अरे मारने की सोची तो कहना जागा जे पीयूष संधि ने जागा जे, ठीक है। मैं भीलने एक झटके नहीं किए बटे सुहागे सुहागे मार के मैंने बेटा खूनी खून हो जाए फूट से जाए चुपचाप दिनियो भीम सिंह भाटी अमल खेड़ा सुत्या अपने दिनियो चेतो हुआ नीचे देखे तो खूनी खून हो रहे हो। ऐने पूछा वो क्यों हो, क्या वो आयो भीम सिंह जी ने सुते सुते ही रख दिया आ तो मेरी आँख खुल गई वो तो वचन नहीं पाए हो। मैं कह नहीं वो आओ वो आ गयो फिर आप नीचे थाने सुते ही रख दिया मेरे को मेरे कट्टा आ तो मौके पर आँख खुल गई। इन्हें दो बेटा है जखड़ो और मुखड़ो, बहन एक ने संटा है। एक दिन ना मैं एक नार आ रही हूँ क्या आ रही हुई नार बट कोई गाना पकड़ रहा है मारने आ गए तो सार गम बगदर मचरी बेगम है क्या नार आ गयो गाने मारे जो जकड़ो बोलो कुन मारे गाने बोलो नार मारे के घटे मैंने दिखाओ, ठीक है मैंने दिखाओ। ये जकड़े की उम्र क्या साल भाई 10 साल क्या साल हुआ है 10 साल हुआ जकड़ो 10 साल वो टाबर का वह नार ने मैंने दिखाओ खटा मार खटा एन दिखायो ओ आगे गए वो तो देखियो तो गाले पकड़े बैठे हो नार पर नार ने भटी रख दियो एक में काट के दरबार है चित मारे तो सारा मुंह खुलो रहे देखते ही रह गया 10 साल वो छोड़ो चाहे के कारना मुंह करे तो वो नार नार को शिकार में टेम्पून करते हो सिर्फ शिंदे को नवाब ही कर सको ओ अधिकार कहीं करो भाई शिंद के नवाब के नाम शिंद को नवाब, ठीक है। ए बात की टेंशन क्या होगी फिर ए भीम सिंह भाटी और पीयूष संधि होगी ऐसा खड़ा ने बोला बड़ा ओके करे थे आपने कम वो कोई अधिकारी को नहीं का पके कर सका कोई नार को शिकार कर सका वो तो कौन कर सके नवाब ही कर सके इब तक क्या किया कि मैं सामी पेश होगा भीम सिंह भाटी कहने लगे कौन आयो फिर वो नवाब आयो बोले भाई नार नकल मारियो सामी पेश करो मेरे, ठीक है। तो जकड़ो बोले मैं मारियो कहता है क्यों मारे तू बोले ये यहाँ गाने पकड़े बैठे हो मारने लगे हो मैं नहीं मारू तू गाने मारे सके मन सन और मारे ठीक है आदमी नहीं कौन छोटा एडो के गलत करियो मैं तो नवाब सोचियो गए तकड़ो छोड़े एक तो 10 साल हो अरे ऊपर उम्मीद तो वीर अरे ऊपर मतलब डर डर कौन जमाई ये तो निर्भय। फिर बोले कह क्या बैठो कह भीम सिंह भाटी बोले आओ बैठो मेरे बेटो तो नवाब का मन में आई क्या तो बेटो जावे बाप पर क्या जावे माँ पर दो नाम यहाँ सोए बेटो तो भीम सिंह भाटी ने बोलियो तब तो देख लियो वो सोचा क्या कि माँ का ही कौन है 100% ये तो नवाब एक ही बात बोले भीम सिंह बैठी ने कि मैं वो मारे देखना चाहूँ जो कह वीर ने इसे वीर ने जामे कि मैं वो खेत दिखा मैं जठुआ जी नीची है
अब आतुल क्या भाई नवाब गए एम बात की रीस हवा भीम सिंह बैठे रीस तो आप ये लुवाई है ऊपर ले दिखा दिया देख लियो हैं तो रीस हवा जब आ गया बात चुपचाप आ गई बोले को नवाब भैया कह मैं पीयूष ने क्या बोलो कह नवाब भैया कह कोई दिक्कत को नहीं ते आ लियो अमर ते सोजो टेंशन दी होगी माफी देख लियो नवाब नु दूसरे दिन आप पीयूष ने बेटा कोई शिकार को प्रोग्राम चलो खड़े ए नवाब गए ठीक है अटके ही आपका भाप का बेफेर है तलवार है कटार है पैसा कह ली अरे नवाब ने क्यों भाई शिकार को शौक हो जल्दी तो नार का शिकार करवा आयो शिकार करने डली जा तो शिकार को प्रोग्राम चलने लग रहे हो काफी उस दिन पहुंच जाए बड़े ठीक है पहुंच गए बोले कि मैंने भी शिकार को शौक है नवाब के सामने संदेश पहुंचावे मैं था ना आप मेरो प्रदर्शन करने जाऊं मेरी वीरता को तो नवाब बोले आओ भी वेलकम है इन्हों तो नवाब शिकार करे इन्हों अब पीयूष नहीं आ तो ही वीर आ तो थाने में बताई तो आ तो कितने दिन तलाश क्या भाई हजार तई हजार पाउंड तई यदि राम को दिक्कत को मार करे आज जो ही निकला तो एवं तो मरे कोई नवाब तो कोई मरे एक दो नार नूर आ निकला नहीं भटकर चाहिए गाड़ा भर लियो ठीक है ईरणियार नार सुवर मरे बाप है तो यहाँ खुली खुली रह जाएगा वो कीड़ मुंह बगैर ठीक है अठे ईरणियार नार है बेंदाज का पड़े ये किया उसके मेरे मरे कोई एक दो मैं मेरी जान में के बड़े हूँ शिकारी बड़े बैठे हूँ यहाँ खुली खुली रह जाए बड़े बुलावे दरबार में तकड़ो काम है क्योंकि वो तो चला कोई 300 मीटर 200 मीटर 250 मीटर 400 मीटर इतो ही फेंका पाउंड इतो ही चला गई और आ मारा हजार जाते अरे का निशाना फिर जोर का तो ये तो मतलब वो प्रदर्शन देख के गांव खुली रह जाए लेकिन सामान में शिरोपाव दे जान तो के दे जान तो शिरोपाव शिरोपाव का मतलब हो है आभूषण कपड़ा पहन खातर कटार कटूर सारी चीज मिला के जितनी पैर स्कैनी कोई यो था मैं सारी सारी दिन चीज दे जाती बाकी ने दे करो पीयूष ने दे जो के बन गया रे भी आदमी बन गई तुम्हारे हो आ लेके चलन लागे बोले हो नवाब बोले हो दो दिन और रुको ये तो दिखाओ दो दिन और प्रदर्शन दिखाओ मैं दो दिन और रुक क्यों दो दिन और दिखाए जो बैठे शिकारी शिकार करते थे वो होते ऐसी रह जाते हो तो वो रह गए तो सजे हो काम बैठे बच्चा गई तो शिकार कराने के बाद ठीक है टिप्पे भटकर तो गाढ़ा भर ले हो शिकार करने लगे ऐसे थे ये की कौन छोड़ रही ऐसे थोड़े हाथ है नहीं है मर गो कोई कोई आस है देखती कोई अठों बार शेरो पाव ले के खड़ा जाए भीम सिंह बाटी के नाते ओ जुके एक मैसेज पहुंचा है भीम सिंह बाटी अरे क्या बता रहे कि क्यों बच्चे छोरे की माँ दिखा में मैं छोरे जमे हो बात दिखा तो सरी बावड़ा ये तो भी छोरे जमे हो आप बात कहें सन्नाटो लग गया तो बार बार मैं कहें अब क्या करूँ मौजू बुला तने बुलाई है कि मैंने बुलाई है तो आ तो जाइए ही मैं कर पहली शिकार को प्रदर्शन करके कोई आई है तो बाप रहा कपड़ा और मैं जगह पर दिया नहीं बैग दीवे बहन भीम सिंह भाटी के काम कर आपने टेंशन ना ले तू जागे बहन दे दे चुपचाप जे रड़की जानी तो मना के कह दी चुपचाप हो जाओ बोले ही कोई नहीं कौन कहते हैं तेलुगु है ये कर दी ठीक है जो ओ जागे ओ कह आशु दरबार में जागे बोले कर आई कौन तेरे कह बारी कह दी तो सुने कौन के कर के डो तेलुगु है बोले ही मतलब कौन बोले तू आगे मुंह सके आंडो तो ठीक है बात तो दिखा तो बोले ओ बात तो थक मिलेगी साहब कौन कह भी ओ भीम सिंह भाटी बोले आ किया भाई मेरे को मिलेगी तो भीम सिंह भाटी पे कपड़ा और मैं जो सिर पाव दी होरी वो पेश करे पेश कह के सामने करे नवाब के सामने पेश करे नवाब की आंख खुली खुली रह जाए तो भाई सोरे की माई तो थूक सो मिटे तो मैंने कोई बुरा ना फायदा है कि रे भाई कोई फायदा कोई नहीं जब कोई लड़कियों को नहीं है आ भी भीम सिंह भाटी और पीयूष सिंह प्रेम का